हेलो स्टूडेंट, अज आपां दसवीं जमात का तीसरा चैप्टर करांगे। इस चैप्टर की पहली अभ्यास जो है वह सिलेबस विच हुण नहीं है। आपां 3.2 अभ्यास करांगे, जिसका पहला सवाल है हेठां दित्तियां समस्यावां विच रेखी समीकरणां दे जोड़े बनाओ अते उन्हां दे ग्राफी आलेखी विधि नाल हल पता करो। उस सवाल का पहला पाठ है, जमात एक्स दे 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक बुझारत मुकाबले विच भाग लिया। जेकर लड़कियां दी गिनती लड़कियां दी गिनती तो 4 वध होवे तां मुकाबले विच भाग लैण वाले लड़के अते लड़कियां दी गिनती पता करो। जमात विच विद्यार्थी किन्ने हन? जमात विच विद्यार्थी बराबर 10। मान लो लड़कियां दी संख्या एक्स अते लड़कियां दी संख्या वाई है। हम जमात विच कुल बच्चे हैं या विद्यार्थी हैं 10, इसलिए एक्स प्लस वाई बराबर 10। प्रश्न की शर्त अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लड़कियां दी संख्या लड़कियां तो 4 वध है, इसलिए वाई बराबर एक्स प्लस 4 अपने को दूसरी इक्वेशन आ गई। हुण समीकरण 1 तो वाई बराबर 10 माइनस एक्स, इसनों आपां समीकरण 3 का नाम देवांगे। क्योंकि आपां इसनों आलेखी विधि द्वारा हल करना है, इसलिए आपां एक्स अते वाई दे मुल चाहिए हैं। इसलिए समीकरण 3 विच एक्स बराबर आपां 10 भरते हाँ। 10 भरन ते वाई का मुल आ गया अपने को 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। साइड ते आपां एक बॉक्स बना लेंगे, एक्स वाई दो मुल ही कढ़ांगे। आपां की कीता भी एक्स 10 भरन ते एक्स 10 भरिया ते वाई किन्ना आ गया अपने को 0। इस तरह जेकर आपां एक्स 0 भरते हाँ समीकरण 3 विच वाई कि बराबर आ जाऊगा अपने को 10 माइनस 0 ये आ गया अपने को 10। एक्स 0 तो वाई 10। हुण समीकरण 2 विच एक्स बराबर 4 भरते वाई बराबर 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। इसका भी अलग बॉक्स बना लेंगे, एक्स वाई एक्स 4 पर आप वाई कितना आ गया अपने 8। एक मुल होर कढ़ना है अपना, एक्स बराबर 2 पर अंते वाई कितना आ गया अपना 4 2 प्लस 4 6। एक्स अपना 2 है वाई अपना 6 आ गया। समीकरण 2 अते 3 तो अपने कोल एक्स अते वाई दे मुल प्राप्त होए हन। हुण इसनों आपां इस ग्राफ उपर दर्शाउंदे हाँ। मैं इत्थे इस दूरी नूं 2 इकाई मन्निया है, तुसीं इसनों 1 इकाई भी मान सकते हो। इत्थे तुसीं 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक भी लिख सकते हो। ग्राफ वड्डा हो जाऊगा, इसलिए मैं इसनों 2 इकाइयां तक ही मन्निया है। समीकरण 2 तो एक्स बराबर चार तो वाई का मुल है 8। एक्स आ रहा बराबर 4 आ रहा तो वाई 8 अपने को फस्ट बिंदु अपने को जो आ रहा इतने अपने को एक्स 4 है तो वाई 8। इस तरह दूसरा बिंदु है एक्स 2 है तो वाई 6 वाई अपने को 6 है अपने को आ बिंदु आ गया। हुण आपां इसनूं मिला देंगे, इस तरह हुण समीकरण 3 तो एक्स का मुल 10 एक्स 10 तो वाई 0 एक तो अपने को आही बिंदु आ गया। ये अपना बिंदु है 2 ते 6, ये है 4 ते 8, ये बिंदु अपना है 10 ते 0। इस तरह अपना दूसरा जो समीकरण 3 का दूसरा बिंदु है 0 x 0 x 0 तो वाई 10 अरे एक्स 0 वाई 10। हम आप इस बिंदु भी मिला दें। हूँ जिस बिंदु ते आपस में कट रहे हैं यही समीकरण का हल है। चेक करते हैं इतने अपने को यह भी 40 आ गया, इस यदा मतलब इतने अपने को 3 समीकरण का एक्स का मुल इतने 3 है तो वाई का मुल इतने 7।
इस बिंदु का नाम आप दे दें ए बिंदु मान लें तो इसका आ गया इतने एक्स का मुल 3 तो वाई 7। इसका मतलब है कि जो समीकरण का हल है वो है एक्स आप मनिया सी एक्स 3 लड़किया की संख्या 3 लड़किया की संख्या बराबर 3 लड़किया की संख्या लड़कियों की संख्या 7 है।